हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक हो गई हूँ थोड़ी बहुत। पता नहीं क्यों मैं ठीक होती हूँ उसके बाद फिर मुझे फीवर आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए दो चार दिन से ब्लॉग भी शूट नहीं कर रही हूँ मैं। और जो पहले की वीडियो मैं बना कर रखी हुई थी वही मैं पब्लिश कर रही हूँ। सिर्फ एक ना शरद पूर्णिमा का जो हम लोगों ने पूजा की थी, हम और हमारी मम्मी ने, वही मैंने आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पर टीवी चल रहा है, श्रेया बैठी हुई है, कुरकुरे खा रही है, शुक्ला जी गए और नहाने, शाम का 5:30 बज रहा है। मैंने बोला अभी एक काम करती हूँ, चलो तो छत पर चलते हैं, छत पर बातें करेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। टाइम क्या, टाइम मेरे पास बहुत है पर मेरी शरीर में शक्ति नहीं है ब्लॉग शूट करने के लिए। और ये देखो बाजू में जो घर है, तो बाजू में ये घर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से बातें करने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ कि जहाँ मुझे बैठने में थोड़ा सा अच्छा लगे, रिलैक्स फील हो। कहाँ बैठूँ? आज ना बंदर आए हुए थे, बांस निकाले हुए हैं। यहीं अपनी पुरानी जगह बैठती हूँ सीढ़ियों में। सुबह से स्वेटर पहनी हुई हूँ, एक बार भी नहीं उतारी मैंने स्वेटर। ठंड लग रही थी जोरों की और सर्दी की बात आप लोगों को पता है ना कि अगर सर्दी होती है तो अगर दो दिन, मेरे को जब सर्दी हुई थी तब मैंने ये बोला था कि मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। मम्मी बोलती नहीं काढ़ा पी लो, शुक्ला जी ने भी बोला कि काढ़ा बना लेते हैं, दवाई ले लो। मैंने मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, पर दवाई तो मैंने बिल्कुल नहीं ली। दो दिन हो गए थे उसके बाद ही ली थी मैंने दवाई। और जब मुझे फ़ीवर आ गया था तब की सर्दी तो हुई, उसके बाद मुझे फ़ीवर आया तो मैंने बोला, फिर मुझे क्या हुआ, जो सर्दी रहती है ना वो जम सी गई। तो यहाँ घुटकने में यानी कफ सा बनने लगा था मुझे, तो धीरे धीरे फिर मैंने अपनी दवाइयाँ चालू करी तो सर्दी तो ठीक हो गई, आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई। करवा चौथ, ये देखो ये हो गया है, बोलते बुखार आता है ना, तो जो अपनी, मैंने बोला था आप लोगों को सर्दी हुई थी तो मुंह से जब सोती थी ना, एक तो नींद नहीं आती थी, सोती थी तो जो अपनी जो लार रहती ना वो बुखार वाली रहती है, तो उसके कारण ये हो ऐसा हो गया है। तो निशानी छोड़ गया बुखार, दिन में भी अजीब सा लग रहा था, दवाई ली जब जाके अभी ठीक हुई। काम किया मैंने और काम करके अभी आई हूँ, थोड़ा सा कंगी वंगी कर कर छत पे। मैंने बोला चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और क्योंकि परसों के दिन है करवा चौथ, तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर मैं ठीक होती तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी करती मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। आज शुक्ला जी से वही बात कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई, जबकि रहता है ना कि करवा चौथ आता है तो लेडीज़ें बहुत उत्साहित रहती हैं कि फेशियल भी हो जाता है, थ्रेडिंग भी हो जाती है। पता नहीं, ये नहीं रहता है कि कहीं पार्टी में जाना है कुछ, पर ये एक है ही ऐसा रिवाज सा कि सारी लेडीज़ों को ये करने का मन करता है। तो मेहंदी लग जाती है, हाँ तो मैं खूब अच्छे से सज धज के फिर पूजा करती हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मैं भी हर बार ऐसे ही करती हूँ, पर इस बार तो मैं, पहली बार तो आप लोगों को पता है जब मम्मी के यहाँ जाती हूँ मायके तभी मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ, और यहाँ पर मैं घर पर खुद ही कर लेती हूँ। तो खुद को यानी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी करने की थ्रेडिंग, और ना ही मैंने कोई फेशियल वगैरह किया घर में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, देखो काला काला हल्का हल्का दिख रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो और मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी थी करवा चौथ के लिए, तो वो रखी हुई है, और कुछ सामान रखा हुआ है मेरे पास नया, तो वही सारा कुछ इकट्ठा अभी मैंने किया है। तो वो कल वीडियो पर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी क्या क्या मेरे पास सामान है करवा चौथ के लिए, क्योंकि बोलते ना कोरी साड़ी पहनते हैं तो कोरा जो भी श्रृंगार का सामान रहता है वो यूज करते हैं। तो कोरा जो सामान रहता है, ऐसा कुछ तो नहीं है मेरा कि मैं कोरी साड़ी पहनूँ या कुछ,
अगर हो जाता है तो मैं कोरी साड़ी पहन लेती हूँ, वरना मेरी जो शादी की रहती है और जो भी पूजा पाठ की रहती है वो साड़ी मैं ज़्यादा पहनती हूँ करवा चौथ में, तो ऐसी साड़ियाँ पहनती हूँ। और रही बात जो कोरा श्रृंगार की रहती है, कोरा श्रृंगार यूज करना, तो कोरा श्रृंगार मैं लेती ज़रूर हूँ, पर वो भगवान जी को अर्पण करके सासू माँ को देती हूँ। तो क्योंकि कोरा श्रृंगार यानी जो करवा माता रहती है ना, उनको चढ़ाकर सासू माँ को देती हूँ मैं, तो जो अपना डेली रहता है वही यूज कर लेती हूँ उस दिन। और यह है, सारा कुछ श्रृंगार करते हैं और सभी लोगों को पता है जो जो, और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अगर मेरी बोलते ना करवा चौथ के दिन थोड़ी सी हालत डाउन हो जाती है, और इस बार फर्स्ट बार ऐसा पड़ा है कि मुझे ब्लॉग बनाना पड़ेगा करवा चौथ का, क्योंकि मुझे मेरा ना मैंने 18 नवंबर को यूट्यूब ज्वाइन किया था, पहला वीडियो मेरा 18 नवंबर को गया था, तो उस समय शायद मेरा करवा चौथ वो निकल चुका था, तो उस समय तो नहीं बना पाई थी, और उस समय इतने अच्छे से आता भी नहीं था कि क्या ब्लॉग होता है, कैसे वीडियो बनाना पड़ता है, कैसे एडिट किया जाता है, इतने अच्छे से नहीं आता था। पर अब अच्छे से आने लगा है, तो अब लगता है कि कैसे करूँगी, क्योंकि उस समय तो हिम्मत सी नहीं रहती ना, हालत डाउन सी रहती है। तो बस मेरा ना हर बार तो मैं ऐसे करती थी, हालत डाउन मेरी ना 3 बजे के बाद हो जाती है, तो ज़्यादा यानी ज़्यादा साज श्रृंगार नहीं करती हूँ, बस ऐसा लगता कब जल्दी से चांद निकले और कब जल्दी से पानी पीऊँ, यानी हिम्मत मेरी ना चली धीरे धीरे से, ना बोलते ना पेट्रोल खाली हो रहा है, तो वैसे ही ना गाड़ी का जैसे धीरे धीरे बोलते गाड़ी का पेट्रोल खाली हो रहा है, वैसे ही ना मेरा शरीर का एनर्जी भी डाउन होती जाती है जैसे ही समय बढ़ता जाता है। और चांद है कि चांद निकलता अपने टाइम से और थोड़ा और लेट निकलता उस दिन, तो ऐसा होता है। तो चलो बस इतनी ही बातें करनी थी, और क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आज बातें कर ली मैंने, बोला आज मैं कोई भी ना ही रेसिपी दिखा रही हूं, ना ही कोई आज यानी काम दिखाऊंगी आप लोगों को, आज सिर्फ बातें करूंगी। कभी कभी अच्छा ऐसा करना भी चाहिए, है ना, जो बारीकी से मेरे वीडियो को और मेरी बातों को सुनते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी ऐसे सिस्टर जब वो ऐसा लगता है ना कि आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ऐसा लगता है कोई अपना कह रहा है, और एक धीरे धीरे लगता था जैसे बड़े यूट्यूबरों को देखते थे ना, तो वो बोलते थे कि आप भी हमारी फैमिली हो चुके हो फैमिली, पर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सच में आप लोग हमारी फैमिली बन चुके हो। एक ऐसा लगता है कि उनको भी जब ऐसा लगता है चलो आप लोगों को भी ये चीज़ बता दें, चलो ये चीज़ बता दें, अच्छा लगता है। और तभी तो मैं जब बीमार भी रहती हूँ, चाहे जैसी भी रहती हूँ, मैं वैसे आ जाती हूँ, क्योंकि फैमिली मेम्बर से क्या छुपाना और कैसे क्या मेकअप करके आना कुछ भी, तो मैं वैसे ही के वैसे आ जाती हूँ। और क्या बोल रही थी, एक बात और बोल रही थी, ध्यान ही नहीं आ रही है अभी, देखो अभी आई थी दिमाग में और अभी उड़ गई। सोचा था मैंने कि करवा चौथ में आप लोगों को एक सुंदर सा सॉन्ग सुनाऊँगी, पर गले में तो यानी सर्दी ने गले में वाट लगा दी है, तो गला तो थोड़ा सा ऐसे ही सा है अभी अभी। हाँ, तो मैं मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी भी नहीं लगाई है, बहुत सारी तैयारी करनी है, और उसके बाद करवा चौथ के बाद घर की सजावट साज धज्जा में लग जाना है, कि घर में यानी सब जगह सबके यहाँ बहुत लोगों के यहाँ हो गई है, हमारे यहाँ ये बाजू में है जो, तो उनके यहाँ ना लिपाई होती है यानी गोबर से लीपते हैं, पहले मिट्टी से छपाई होगी, बहुत सारा करते हैं, उनके यहाँ कच्चा है थोड़ा, तो बहुत सुंदर दिखेगा। मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को उनका घर, यानी ऊपर से दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जाती तो हूँ नहीं मैं कहीं पर, तो ऊपर से छत से ज़रूर दिखाऊंगी उनका आंगन। अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया, तो बाद में यानी जब हो जाएगा ना तो फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है सच में गाँव का घर। लिपाई पुताई जो वो लाल कलर से करते हैं उन लोग, हरे कलर से करते हैं, और हमारे यहाँ सारी जगह फर्श है, बस पीछे है तो वो भी उबड़ खाबड़ मैंने छापा हुआ है, तो यहाँ पर फर्श है तो गोबर लिपाई होगी नहीं, और फिर भी मैं कोशिश करूँगी लीपने की, जिसमें ना जो गोबर से लीपने के बाद जो रंगोली बनती है ना बहुत सुंदर बनती है, तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा लगा कोई आ रहा था, तो चलो वीडियो का एंडिंग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी बक बक कैसी लगी,
और उसके बाद अगर मेरे वीडियो को जो भी न्यू विज़िट करें तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें मेरे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।